टाइम स्वागत है आपका गार्डनिंग विद सुनीता चैनल में। आज मैं आपको एक तुलसी का प्लांट रिपोर्ट करके बताऊंगी जो मेरे बीज से उगा हुआ है। मैं और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये मैं काफी दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मेरा बहुत टाइम बाद मैं आई हूँ। कम से कम मुझे 18 महीने हो गए उसके बाद मैं आई हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आई तो हूँ इसलिए उसी वही बहुत बड़ी बात है। तो मैं आज मैं आपके बीज से तुलसी को कैसे मैं रिपोर्ट करूंगी उसका मैं पूरा आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं उसके लिए मैं किस तरीके का मिक्सचर तैयार करूंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए तुलसी के प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए बालू, इसको मैं सैंड, इसको सैंड भी बोलते हैं, बालू चाहिए। और सबसे मेन पार्ट गार्डन सॉइल, गार्डन सॉइल हमें चाहिए। और हमें चाहिए ये रॉक डस्ट, ये रॉक डस्ट हो गया। और ये थोड़ी सी खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद चाहिए, वर्मी कंपोस्ट इस तरीके का होता है ये। और हमें चाहिए नीम फली, नीम फली है, इससे कीड़े वीड़े नहीं लगते। और मैं आज एक नई चीज डालूंगी अपने प्लांट में, वो है पीनट हस। ये देखिए, ये प्लांट के लिए बहुत पावरफुल है, इसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में होता है। और ये हमारे जो हमारा जो मिक्सचर तैयार होगा उसको बहुत एरी बना देगी, ये एरी बना देगी। और इसमें वो शक्ति होती है जो हमारे प्लांट को कीड़े नहीं लगने देगी। मिट्टी में ना तो फंगस आएगा, ना कोई कीड़ा कीड़े का अटैक होगा। और ये मिट्टी में हवा पास होती रहेगी, इससे बहुत एरी मिट्टी बन जाएगी इसकी, इसे पोरोसिटी भी बोलते हैं, पोरोसिटी सॉइल तैयार हो जाएगी। इसलिए हम आज इसमें तुलसी के प्लांट में इसको ऐड करेंगे। और मैं तुलसी बता दूं, ये मैंने खाते खाते नहीं इकट्ठा किया है, इसको मैंने पहले से ही छील के रखे हुए हैं क्योंकि मुझे ये तुलसी के प्लांट में यूज करनी है। और हम डालेंगे हल्दी, जो मेरा फेवरेट है। हल्दी मैं हर प्लांट में यूज करती हूँ, इसके बिना तो मैं कोई प्लांट रिपोर्ट भी नहीं करती, तो मैं इसको जरूर डालती हूँ। तो मैं इसको बताऊंगी मैं आपको कैसे डालूंगी। तो ठीक है, ये हो गए मेरे सारे इसको मिक्सचर तैयार करने के लिए। अब मैं तैयार करती हूँ मिक्सचर अपना। अब मैंने अपने प्लांट को लगाने के लिए मैंने ये 13 से 14 इंच का मैंने गमला ले लिया है। मैं इसी प्लांट में इसको लगाऊंगी ताकि मुझे बार बार रिपोर्ट नहीं करना पड़े, क्योंकि वो मेरा कम से कम 20 से हुआ हुआ प्लांट इतना बड़ा तो हो गया है। मैं आपको दिखा दूंगी कम से कम इतना बड़ा हो गया, तो मैं उसको पहले से अब इसमें पॉट करूंगी ताकि मुझे बार में शिफ्ट ना करना पड़े। तो इसके लिए हमें इसमें होल है, एकदम सिंपल मेथड है, हर मैं बताती हूँ। मैं इनको मैं कर दूंगी कवर, आपका जो भी पत्थर है इस टाइप की आप उससे इसको कवर कर दीजिए। जैसे मैंने इसको कवर कर दिया है इसके होल को, और इसमें क्या है ना, हमारा मिट्टी बाहर नहीं जाएगी, सिर्फ पानी पानी बाहर जाएगा। कभी ओवर वाटरिंग हो जाती है तो सिर्फ पानी इसके होल से ड्रेन आउट हो जाएगा। तो ये हमारा गमला तैयार हो गया, इसको हम कर देते हैं एक तरफ। मैंने ये मेरा एक कटोरे के साइज का कुछ बर्तन है, ये मैंने एक कटोरा भर के रॉक डस्ट लिया है। ये रॉक डस्ट है, इसमें कैल्शियम बहुत होता है, हमें एक बार अगर हम यूज़ करते हैं हमें अपने प्लांट को कभी कैल्शियम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम एक ही ये डब्बा भर के हम इसमें सैंड डालेंगे। ये हमने सैंड डाल दी इसमें, अगर थोड़े थोड़े बालू में आपके ऐसे पत्थर आ रहे हैं तो उन्हें आने दीजिए, हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटा सकते। इस तरीके से आप डाल दो। अब हम लेंगे गार्डन सॉइल, एक हमने वो ले लिया बालू, एक भर के हमने रॉक डस्ट ले लिया। अब हम लेंगे गार्डन सॉइल, दो भर के हमने गार्डन सॉइल, क्योंकि हमारा गमला काफी बड़ा है तो हम गार्डन सॉइल को क्लीन कर देते हैं। ये हमारा गार्डन सॉइल है, ठीक। अब हम इसमें डाल देते हैं अपना ये पीनट हस, पूरा डाल देंगे। एक फायदा इसका ये भी है, अगर हमने पीनट हस मिला दिया है तो हमारे गमले में ज्यादा मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है, कम मिट्टी में ही हमको हमारा पूरा गमला भर जाता है।
तरीके से हम इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छा एक मिट्टी तैयार होगी हमारी, एक बहुत ही उम्दा मिट्टी है ये। आप ये जो छिलके हैं इसको आप ऐसे क्रश करके भी डाल सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही डाल दिए हैं इसमें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्रश करके डाला है तो और भी अच्छा है। ठीक, ये तैयार हो गया। कई वीडियो से लोग बोलते हैं हमें ये मिट्टी में क्या क्या डाला है वो डाल के दिखाइए, तो मैंने आज ये डाला है, सब कुछ आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई रेशियो कम ज़्यादा होता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो हमारा पौधा है वो एडजस्ट कर लेता है। अगर हमारा तुलसी का तो प्लांट हमारा ऐसा है, अगर हम सिंपल मिट्टी में भी इसको डालेंगे तब भी वो ग्रो कर जाएगा। सिंपल मिट्टी में भी तुलसी हमारी बहुत अच्छी ग्रो करती है, और अगर हमें थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी इसमें ऐड कर देते हैं तो फिर पौधा बहुत ही अच्छे से चलता है हमारा। तो ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया, अब हम इसको भर लेते हैं। मैं भर के बेबी है, जो मेरी तुलसी अभी 7 फुट की हो गई है, उसी का ही ये छोटा पौधा है, उसी का ही समझो बेबी है ये। बहुत खुशी होती है जैसे बड़े बड़े प्लांट हमारे घर में ही बन जाते हैं। ये तुलसी का प्लांट है, आप ये देखिए नई नई ब्रांचेस, हर न्यू एरिया से नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं। और मैं इसको भी उतना ही घना कर दूंगी जो मेरी पुरानी वाली तुलसी है। अब आपको मैं रूट के बारे में बताती हूँ। ये देखिए इसकी रूट है, अभी ये राउंड नहीं हुई है रूट, ये अभी बिल्कुल स्ट्रेट है, क्योंकि ये हमारी घर में उगी हुई तुलसी है, बीज से उगी हुई तुलसी है। अगर हम इसको नर्सरी से लेके आते हैं तो पहले से ही पौधा काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, और ये जो रूट्स हैं जो दिख रही हैं ये राउंड हो चुकी होती हैं। तो अगर वो राउंड हो जाती है तो तुलसी की लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। अब ये तुलसी जो मैंने इसको लगाऊंगी, बीज से उगी तुलसी है, इसकी लाइफ काफ़ी होगी, कम से कम 2 साल तक तो इस पौधे को कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी इसकी रूट्स बिल्कुल स्ट्रेट है। ये बहुत ही पॉजिटिव प्लस पॉइंट है, प्लांट की रूट बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, जब हमें इसको रिपोर्ट करना चाहिए, इससे हमारी प्लांट का लाइफ बहुत लंबा होता है। बहुत सुंदर लग रहा है, ये देखिए पत्ते कितने बड़े बड़े लीव्स हैं इसके। तो आज हम मैं आज इसी को रिपोर्ट करूँगी, ये सिर्फ घर की तुलसी है, बीज से उगी हुई तुलसी है। इस तरीके से हम इसको पहले रखेंगे, आप रख करके अनुमान लगा लीजिए कि हमारी कितनी डीप जो जा रही है। अभी ये बिल्कुल ठीक जा रही है, मैं यहाँ तक और उसमें अपना सॉइल भर दूंगी, ये बिल्कुल इसकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बीचों बीच आपको इसे लगानी है, थोड़ी सी हम डाल देते हैं इसमें सॉइल, थोड़ी सी मैं सॉइल ऐड कर देती हूँ इसमें, और अब डालते हैं हम इसमें नीम खली, ताकि रूट को कोई फंगस अटैक नहीं करे। हम इसमें डालेंगे नीम खली, हमारी तुलसी पूरी अच्छे से ग्रो करे, कोई भी अटैक इसकी रूट में नहीं होना चाहिए, इसलिए हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी यहाँ पे भी। हल्दी हमने डाल दी है, और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, आप इसकी जगह गोबर का खाद भी यूज़ कर सकते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट है आप इसकी जगह गोबर का खाद यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कोई हर्जाना नहीं है। ये डाल दिया हमने वर्मी कंपोस्ट, अब हम रखेंगे अपनी तुलसी को। इस तरीके से हमें तुलसी अपनी लगा देंगे,
बहुत एकदम प्यार से लगाना है आपको। रूट्स बिल्कुल डैमेज नहीं होनी चाहिए, काफ़ी पतली रूट है अभी इसकी, एक्टिव रूट्स हैं, बिल्कुल डैमेज नहीं होनी चाहिए। ये देखिए रूट दिख रही है, बिल्कुल डैमेज नहीं हुई है। इसको मैं ढक देती हूँ ताकि कुछ टूट नहीं जाए इसका तुलसी का। थोड़ी सी नीचे की लीव्स हटा दीजिए, मिट्टी में नहीं जाना चाहिए ये। ये हटा दीजिए, थोड़ी लीव्स हटा दी हमने। बस थोड़ा सा प्रेस कीजिए इसको ऐसे ताकि अपना स्पेस बना ले। ये बहुत हल्के हाथों से प्रेस करना है आपको। और इसको, इस तुलसी को काफी जगह मिल गई है, एक पॉट में सिर्फ एक ही तुलसी लगाई है ताकि इसकी रूट्स मूव कर सके बहुत अच्छे से और ये प्लांट हमारा काफी बड़ा हो सके। अब हमको ऐसे लग रहा है ऐसे इसमें मिट्टी थोड़ी कम लग रही है, तो आप जो मैंने मिक्सर बनाया था आप थोड़ा सा मिक्सर और तैयार कर दीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। पूरा लग गया, अब हम ऊपर से इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे। ये हमें ध्यान रखना कि हमें, अगर आप फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं तो हमें थोड़ी सी मिट्टी लाइट वेट रखनी है, तो आप इसमें सैंड थोड़ा सी कम डालें, और मैंने पीनट हस्क बताया वो सब आप चीज़ें ज़्यादा डालें। थोड़ा वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है, हमारा प्लांट बिल्कुल रेडी है। अब मैं डालूंगी हल्दी, अब हम इसमें बारी आती है, अब हम डालेंगे इसमें पानी। पानी हमें इतना डालना ताकि हमारी एयर बबल्स पूरी खत्म हो जाए। पानी हमें डाल दिया, एक्स्ट्रा पानी जितना भी होगा उसमें नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा। अब हमें एक हफ्ते तक उसमें पानी नहीं डालना, क्योंकि अब सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो आपको आपको अपनी सॉइल चेक करके ही इसमें वाटरिंग करनी है। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है हमें, तुलसी के लिए ओवर वाटरिंग बहुत हार्मफुल होती है, इसलिए आप मिट्टी को चेक करके ही इसमें वाटरिंग करें। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर था, पूरा मेथड था तुलसी को लगाने का। इसी तरीके से आप अपने घर पर तुलसी लगाइए, आपका पौधा सालों साल चलेगा। सर्दियों में भी रिपोर्ट कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि हम सर्दियों में रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आप अगर इस मेथड से करेंगे रिपोर्ट तुलसी को, तो आप सर्दियों में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम बरसात के टाइम में ही तुलसी का पौधा अपना रिपोर्ट करें, तो सर्दियों में भी डोरमेंसी का टाइम होता है, लेकिन तुलसी को हम रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको मेथड सिर्फ यही अप्लाई करना है जो मैंने दिखाया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन आप ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट मिल सके। और इस वीडियो को शेयर आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारे हर घर में तुलसी के पौधे की बहुत ज़रूरत है, बहुत डिमांड है। अगर आप इस तरीके से आप तुलसी का पौधा आप रिपोर्ट करेंगे या लगाएंगे, तो आपका पौधा बहुत काफ़ी सालों तक चलेगा, नहीं तो तुलसी के पौधे काफ़ी कम टाइम पर चलते हैं और मुरझा जाते हैं। Okay, bye.